जी सुमित भाई, ये है विजय सार जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, करीब से देख लेते हैं। ये देख लो आप इसको चारों तरफ से, ठीक है। ये विजय सार है, अंदर से भी देखो इसको। मैं इसका भी मुंह बना रहा हूँ उसका, और इसका भी मुंह बना रहा हूँ। ये सारा ये देखा है, ये इसी के अंदर से निकला है सब। अभी ये चला रहा हूँ मैं, और इसी तरह से मैं आपका ये डग्गा अभी ये तैयारी पे चल रहा है, अभी बन रहा है। और इसका आवाज़ देख रहे हैं, ये अभी ज़रा सियाही की अभी कमी है, तो ये तैयारी पे चल रहा है। और इसी तरह से ये तबला अब मैं इसको लड़के को दे रहा हूँ। अब आप इसको ज़रा देखें, और इसकी जो जानकारी है वो थोड़ा बहुत आप समझें। तो मैं इसमें जो है ना अभी ये काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग ला रहा हूँ उसकी। वो भी मुँह बनाना बहुत ज़रूरी है इसका। और ये मैं आपको बता रहा था कि इसका जो बुरादा निकला हुआ है ना, वो ये रहा सारा, ये रहा। मैंने इसको अभी ये सारा यूँ ही उठा के इसमें डाल देना है। ये देखिए, इसमें डाल दिया। ये सब अभी नीचे चला जा रहा है, ये सब। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सब नीचे जा रहा है। अभी थोड़ी देर में इसका आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मैं आपको बना रहा हूँ। और हाँ, इसका मुंह भी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि ये जो इंच 6 इंची है, एक सूत का मैं 6 में, ये एक सूत का मैं, और एक ये है। तो आप जिसको कहेंगे आप वो ले लेना। ये 6.25 है, ये 6.25 है, देख रहे हैं आप। तो इसमें आप जो भी कहें वो मुझे आप बता सकते हैं और कह सकते हैं। ये 6 इंची में तैयार करूँ या 6.25 में, और दोनों की आप देख ही रहे हैं। और बहुत अच्छा इसका पैंदा है, काफ़ी बड़ा पैंदा है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये 30 इंच, ये 29 इंची आता है, 29 इंच में है इसका पैंदा। अच्छा, आप इस बाएं के बारे में कह रहे थे, थोड़ा सा मैं ज़रा थोड़ी थोड़ी बातें कर लूँ आपसे और समझा दूँ आपको, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। ये जो आप कह रहे थे कि इसका इसका पेट ज़्यादा बड़ा है या बराबर है, ये ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है आप वाला। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे लिया और ऐसे पकड़ा, और ये मैंने इसको ऐसे ले कर आया। ये देखिए, ये 40 आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए 40 है ये, ठीक है जी। अभी इसको मैं हटा देता हूँ और इसको ले कर आता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप, ये 42 है, ये रहा। तो 2 इंची का फर्क है इसमें, 2 इंची छोटा है वो। और वैसे भी रखने से ही पता लग जाता है ना। ये देखिए, अब आप इसको आराम से देखिए, तो बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, चाहे कितने कुछ कह लो, बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से मुझे ये देखो, ये कपड़ों में भी आ जाता है, देख रहे हैं आप, कपड़ों में आ जाता है ये सारा। अभी हाथों में भी आ जाएगा। और इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो पानी है, इसका जो पानी है, देखिए ये चेंज होता चला जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए इसका कलर देखिए आप। अभी तो मेरे हिसाब से 2 मिनट भी नहीं हुए, इसको आप आधा घंटा या 1 घंटा, जैसे लोग हकीम लोग बताते हैं, पहले हकीम बताते थे कि ये बीजे सार की लकड़ी पानी में डाल देना, सारी रात भीगी रहने देना, उसका जो पानी निकलेगा वो पी लेना, तो डायबिटीज सही हो जाती है। ये सुनते हैं, हमने तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए इसमें कलर कैसा हो गया, ये देख लीजिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये जो चीज़ है बीजे सार अगर है तो वो सामने दिखाई देगी ना, सारा सबके सामने आएगी बात। और एक और बात है, जब इस पर पुड़ी रखेंगे तो पुड़ी के जहाँ पर ये लकड़ी उस खाल पर टच करेगी, जिस जगह पर, जितनी जगह पर, उसका कलर भी वैसे हो जाएगा, इसी तरह से कलर आ जाएगा। जो लकड़ी का रंग है वो खाल पे भी आ जाएगा, ये इसकी पहचान है। तो ये मैं आपको ये
इसको देखिए आपके सामने ये रेत रहा हूँ और मुंह बना रहा हूँ इसका। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो और लोग डुप्लीकेट काम करते हैं, अभी ये जैसे ये निकला है ये सारा का सारा वो इसी में से निकला है, ये सब इसमें से निकाला है ये सारा मुंह बनाने के लिए, तो ये सब इसी में से आया है, ये ऐसे करके ये ऐसे होता है, तो मुंह बनाया जा रहा है इसका ऐसे, इसको काट काट के बनाया जा रहा है। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं और बाकी का क्या दिखाना है। ये असल में क्या है, बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं कि साहब बीजे साल हमारे पास ही है, काला शीशम हमारे पास ही है, ऐसा नहीं है। ये तो जंगल की चीज़ कोई भी खरीद लाए, कुदरत ने बनाई है ये चीज़ और कोई भी इसको ले सकता है, कोई भी खरीद सकता है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही के पास बनेगी या एक ही के पास मिलेगी, ये सभी की तरफ मिल जाएगी जहाँ कहो वहाँ, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी से कोई ऐसे करके दिखाए। और ये जो अगर मान लो बेईमानी करता भी है तो वो अपने लिए करता है, किसी और का नुकसान नहीं होता इसमें, खुद का अपना नुकसान होता है। ठीक है जी, तो बस मैंने आपको यही दिखाना था, ये मेरा अपना तरला आपका जो बनने जा रहा है, मैं अभी इसकी मुँह बना रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख ही रहे कि शाइनिंग शाइनिंग ला रहा हूँ मैं, जैसे ये है ना आहिस्ता आहिस्ता ये शाइनिंग आ रही है, इसी तरह से ये सब बनता चला जा रहा है, ये है सारा, तो ये बनाया जा रहा है अभी। अब ये जो लक्कड़ में से बुरादा निकला है ये देखिए, ये वही कलर है, ठीक है ना, ये है ये सारा, ये देखिए ये वही निकल रहा है सारा। अब ये सब पानी में जाएगा, ये वैसे ही कलर छोड़ देगा अपना, ये है। ठीक है साहब, सुमित देव साहब, मैं बस इतना ही दिखाना था आपको, तो अभी ये मैं बना रहा हूँ इसको, और ये भी जल्दी तैयार हो जाएगा, कल या परसों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखिए, अभी आने लगा ना इसका, बड़े ध्यान से देखो अंदर, लक्कड़ भी दिखाओ उसमें, लक्कड़ दिख रही है अंदर से, सब दिख रही है ना जी, ये सारा चीज़ है, सब है, आने लगा, ये वो ही वाइन बन गई वाइन। ठीक है जी, अच्छी बात है।